हेलो दोस्तों, मैं आशा सिंह। माय लिटिल गार्डन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज ही बहुत ही खूबसूरत प्लांट कोलियस के बारे में बात करेंगे। और ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और इसकी पत्तियां इतनी खूबसूरत होती हैं कि ये फूलों वाले प्लांट से भी ज़्यादा सुंदर लगता है। और जब गर्मियों में हमारे पास फूल कम हो जाते हैं, उस समय इसकी कलरफुल पत्तियों की वजह से हमें फूलों की कमी महसूस नहीं होती है। और ये बहुत सारे शेड में, बहुत कलर में आता है। और मेरे पास तो ये तीन चार कलर का है। और इसकी जो धूप की बात करें तो इसको ना बहुत तेज़ धूप इसको बिल्कुल पसंद नहीं है। इसकी पत्तियाँ खराब होने लगती हैं, पत्तियों के कलर भी खराब होने लगते हैं। और इसलिए आप इसे ऐसी जगह रखें जहाँ इसे मॉर्निंग की, सुबह की 1-2 घंटे की धूप मिले। और वैसे से मौसम की बात करें तो इसे बहुत तो गर्मी भी पसंद नहीं है और बहुत ज़्यादा सर्दी भी इसे पसंद नहीं है। बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तब भी इसकी पत्तियाँ थोड़ी सिकुड़ने सी लगती हैं। और बहुत गर्मी में तो ये टोटली खराब हो जाता है, इसकी पत्तियाँ और कलर सब कुछ खराब हो जाता है। तो आप इसे थोड़ा, इसको मौसम जो पसंद है, ना तो बहुत गर्मी पसंद है ना ही बहुत ठंडक पसंद है। और गर्मियों के मौसम में तो आप इसे शेड में ही रखें जहाँ ठंडा हो। और क्योंकि गर्मियों में तो ये प्लांट बिल्कुल ही खराब होने लगता है, जैसे तेज गर्मी पड़ती है जब मई और जून में अपने यूपी राजस्थान वगैरह में, तो उस समय तो ये बिल्कुल शेड में ही रखना चाहिए। और तभी इसकी पत्तियों के कलर भी अच्छे आते हैं और फ्रेश भी रहता है। और बाकी और उसकी मिट्टी की बात करें तो इसे मिट्टी रिच सॉइल पसंद है। जैसे कि मैं अपने पिछले वीडियो में बताती हूँ बेल्टन मिट्टी कैसे बनाते हैं, तो वही आप एक मिट्टी लीजिए, एक हिस्सा सैंड लीजिए, एक हिस्सा खाद ले लीजिए। खाद आप चाहे पत्तियों की ले लें, गोबर खाद ले लें या बर्मी कंपोस्ट ले लें, लेकिन इसमें इसको रिच सॉइल पसंद है। और इसकी उसकी बात करें तो उम्र की तो लगभग 1 साल ही इसकी उम्र होती है। तो जब आपका ये प्लांट खराब होने लगे तो उस समय आप इसकी कटिंग और दूसरे उसमें प्लांटर में लगा लें और वो पुराना प्लांट आप उसे हटा दें। इससे आपके ये प्लांट हमेशा आपके पास बना रहेगा। तो बस बीच बीच में इसकी कटिंग लगाते रहें और कटिंग से बहुत इजीली लग जाता है। जैसे ये देखिए, ये इतना छोटा सा है, इसकी छोटी सी कटिंग मेरे से उठाने में टूट गई थी तो मैंने इसमें लगा दी। देखिए लग गया ऐसे, देखिए ये कटिंग इसमें लगाई, ये टूट गया था तो देखिए इसमें काफी अच्छा सा ये प्लांट बन गया। ऐसे आप इसकी छोटी सी 3-4 इंच की भी कटिंग लगा देंगे, आराम से ये लग जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। और एक प्लांट से आप कई प्लांट बना सकते हैं। बस यही है कि प्लांट पुराना हो जाए तो उसकी कटिंग आप दूसरे प्लांटर में लगा दीजिए, उसको हटा दीजिए। तो ऐसे आपके नए नए प्लांट तैयार होते रहते हैं और बहुत इजी लग जाता है। इसकी कटिंग तो बहुत ही इजी लगती है। और इसकी जो इसको घना बनाने के लिए आप इसकी पिंचिंग करते रहें, या इसकी जो ऊपर से है ना, ये स्टेम ऐसे तोड़ दें तो यहाँ से नए ब्रांच दो निकलेंगी, फिर वो 2-3 इंच की हो जाए तो उनको तोड़ते रहें। और इनमें फ्लावरिंग, और एक चीज और है कि जब इनमें फूल से आ जाते हैं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे इसमें आ गया, ये फूल आया है नीचे है काफी, ये देखिए इस तरह से फूल आ जाते हैं ना, तो इसको आप जरूर इसको तोड़ दें क्योंकि इसकी वजह से ये प्लांट खराब होने लगता है। तो आप इसकी जो भी फूल आए कहीं भी तो आप इसको तुरंत तोड़ दें। जैसे ये देखिए इसमें छोटा सा आया है, ये अब इसको हम यहाँ से तोड़ेंगे ना, ये यहाँ से तोड़ देंगे तो यहाँ से दो स्टेम निकलेंगी। तो और बाकी इसकी पिंचिंग करते रहें, जब आप जितनी इसकी पिंचिंग करेंगे उतना ये प्लांट वूशी बन जाएगा। और बाकी इसकी बहुत खास केयर की जरूरत नहीं होती है, बस आप इसकी धूप का, गर्मी का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसको बहुत गर्म जगह नहीं रखना है। और धूप भी बहुत, इसे पूरे दिन की धूप नहीं चाहिए, 1-2 घंटे की धूप चाहिए। बाकी बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है और इसे बहुत कोई केयर नहीं मांगता है और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। और आप अपने इसे गार्डन में जरूर ऐड करें और इसकी कोई बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं है और बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत सारे कलर में आता है। और
बाकी अपने गार्डन में आप जरूर इसको ऐड करें। बाकी मेरी जानकारी अच्छी लगती है आपको तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।